स्वागत है सभी का एमआर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां आपको बता दें एकाएक बढ़ती ठंड से शहर व गांव में ठिठुर रहे गरीब असहाय लोगों के बीच समाजसेवी मोबीन अंसारी ने लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे हकीकतपुरा, डोमनपुरा, मुंशीपुरा, शहादतपुरा, जफरनगर के साथ साथ आज अपने कार्यालय पर भी कंबल वितरण किया है। इस कपकपा देने वाली ठंड की रात से असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण करना एक साहसिक कदम है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबके हो, ऐसी परिस्थिति में असहायों की मदद के लिए भारतीय मानव सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोबीन अंसारी सामने निकल कर आते हैं और जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने मोबीन अंसारी। वहीं आपको बताते चलें कि कंबल वितरण को लेकर लोगों ने बताया सराहनीय कदम। कहा जाता है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान ही सहारा होता है, और जहां ठिठुरती ठंड में रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में लोग सो जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी जो एक साधारण चादर के सहारे ठंडी रात गुजारते हैं। असहाय पर सबकी दया नहीं होती, बल्कि भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस तरह के पुण्य कार्य करते हैं। समाजसेवी ने बताया कि आगे भी इसी तरह कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। कहाँ करने वाला हो? भटकुआ का। कहाँ ले ले हो? कंबल ले ले। कंबल बटल है? के बटल से? मोबी नेता। मोबी नेता ही बाटे हैं। ठंडक का मौसम है, राहत मिलेगी ठंडक से? हैं? क्या संदेश देंगे लोगों को? और किसी से मदद मिली आपको कहीं से, किसी भी सरकारी विभाग से? नहीं मिली अभी तक? नहीं। ये आपके मतलब मोदी नेता जी हैं, उनके थ्रू मिला है आपको? हाँ। क्या कहेंगे कि और लोग भी को जागरूक होना चाहिए, देना चाहिए? हाँ हाँ। ठीक। नाम बताओ। लालमती। लालमती कहाँ के रहने वाला? भटकुआ का। आप भटकुआ के रहना है? अच्छा, ठंड का मौसम है। कहाँ मिला आपके? कंबल मिला ला। कैसा लगा था? अच्छा लगा। अच्छा बात, ठीक है। बात मोबी नेता देने सुख दुख में भी काम आते हैं। सब 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 सरकार की तरफ से मिला की नहीं? सरकार तरफ से मिला। नाम है आपका? नियाज अहमद। किस मोहल्ले के हैं ये आप? शहीद नगर। शहीद नगर। आज आपको क्या मिला है? कंबल मिला है। कंबल मिला है, कौन दिया है? जिन भाई ने दिया, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। हाँ। दोबारा फिर मिले। नगर पालिका से कोई आपको मदद मिली है? नहीं, नगर पालिका से कोई मदद नहीं मिली। इतनी ठंड पड़ रही है, क्या चाहते हैं आपके? और भी लोग मदद करना चाहिए ऐसे गरीब लोगों को? अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, करेंगे आओ। जी हाँ, करते रहे। मऊ में वैसे बहुत से पैसे वाले देखने में है, लेकिन मदद की बात आती है तो बहुत लोग कम आते हैं। हाँ। तो ये पहली बार आप मतलब आपको मदद आई है? ये पहली बार आया है अभी। ठीक। क्या कहेंगे? अच्छा काम है, पुण्य का काम है, कर रहे हैं जी। उसमें कहने की क्या बात है? कोई नेतागिरी और कोई वोट की राजनीति यहाँ नहीं होती। हम तो साफ कहते हैं कि वोट मिले चाहे ना मिले, जरूरी नहीं है। वो मेरी खेती वोट थोड़ी ना है, लेकिन जो जो अच्छा काम उसको किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी समय में। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के नेताओं को, जो विधायक है, सांसद है, चेयरमैन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश क्या देंगे? अरे आप तो देख ही रहे 25 साल से कौन सा देश, पहले जो है कि पहले के कुछ नेता थे तो समाज का काम करते थे, अब तो सिर्फ पार्टी की बात रहती है तो पार्टी की लोग बात करते हैं, ठंडा ठंडा पार्टी के लिए करते हैं, और जनता का कोई ये लोग काम थोड़ी नहीं करते। ये गरीबों का नाम कोई लेता है? ये तो सिर्फ जो है कि और सभा दल की बात करेंगे, सड़क पर लफारी बतियाएंगे किसी न किसी, मगर सामाजिक काम यहाँ कोई नहीं करता। देख नहीं रहे कि इतने दिन से विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ, विधायक जी के यात्रा कोई नहीं है, गए थे अखिलेश की सरकार बनाने, वो भी ऐसा विधायक चुन दिए कि वो भी यही हाल है। यहाँ की यहाँ नुमाइंदगी एक तरीके से जो लोकतंत्र के अंदर नुमाइंदगी और समाज की खिदमत होनी चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, लोकतंत्र की नुमाइंदगी यहाँ सही ढंग से नहीं होती है। लोग सिर्फ पार्टियाँ और चमचागिरी का दौर आ गया है। हाँ, बस यही है और क्या। और गरीबों की सेवा करना तो सबको करना चाहिए, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं, हर आदमी को करना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबको। ये सबसे बड़ा धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
कर्म ही से जो है कि नहीं इंसान की पहचान होती है, और कर्म ही से जो है कि नहीं स्वर्ग और नरक का फैसला भी हो जाता है। कर्म अच्छा करेंगे तो जरूर स्वर्ग और जन्नत मिलेगी। तो अभी कंबल फटेगा, अभी जरूरतमंद जो भी आएंगे अभी कोशिश करेंगे कि उनको दे दें, ये जरूर करेंगे। अभी जो है कि नहीं, अभी मेरे गांव में कुछ हरिजन बेचारे कुछ गरीब थे हमारे भाई, उनको मैंने जो है कि नहीं बुला घर से दे दिया। भाई मुझको जहाँ तक पता चलता है मैं दे देता हूँ। बस मैं एक जान जानता हूँ कि दुनिया में बने चाहे न बने, मालिक की माँ मेरी बनी रहे, यही मेरी सोच है। मालिक की माँ बनेगी तो समझूंगा कि मैं चेयरमैन भी हो गया, विधायक भी हो गया, MP भी हो गया, MLA भी हो गया, दुनिया में सब कुछ मुझको मिल जाएगा। मालिक की माँ मेरी बनी रहे, मालिक।